हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों आज है संडे और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हम एवरी संडे को संडे कमेंट बॉक्स के आंसर देते हैं, जो कि संडे कमेंट बॉक्स हमारा जो एक पोस्ट होता है वो फ्राइडे को अपडेट होता है हमारे चैनल पे, और उस पोस्ट में आए हुए क्वेश्चन का आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन इस वीडियो में हमारा होने वाला है। तो चलिए वीडियो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम अरुण कुमार का, और इन्होंने पूछा है कि सर, एक यूज़र ने अपने पति के मोबाइल से अपनी आईडी बना ली है जिस पर व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, खुद के पास स्मार्टफोन है पर उस पर अपने टास्क कंप्लीट करती है, समस्या का समाधान बताएं। देखिए, आपका एक क्वेश्चन यही है कि किसी यूज़र ने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर से उनका व्हाट्सएप नहीं है, अब उनको मैसेज नहीं जा रहा है या वो व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को नहीं भेज पा रही हैं, या आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। तो देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि जिस नंबर से आईडी बनी है उसी नंबर से व्हाट्सएप स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि आईडी से नंबर चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी टाइम चेंज कराने में काफ़ी टाइम आपका चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने मोबाइल में उनसे कहिए जिनकी आईडी है वो अपने मोबाइल में उसी नंबर से एक नया व्हाट्सएप बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो उनके पति हैं वो अपना नंबर से अपना व्हाट्सएप चलाते ही होंगे, तो वो अपने नंबर से, जो नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उस नंबर से अपने स्मार्टफोन में वो व्हाट्सएप नंबर बना लें। इस समस्या का सबसे आसान सॉल्यूशन तो यही है, वरना आप कंपनी से नंबर चेंज करा सकते हैं मेल भेज के। उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट में आपको नंबर चेंज कराने का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप काम करिए। और अगला क्वेश्चन है सचिन पुरी का, और इन्होंने पूछा है कि सर जी नमस्कार, ऑनलाइन शॉपिंग पर इंडिया नीड्स पोर्टल कब से शुरू होगा? देखिए सर जी, सचिन पुरी जी बिल्कुल नमस्कार, और इंडिया नीड्स पोर्टल आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, कोई टाइम टेबल या कोई डेट कंपनी की तरफ से नहीं बताई गई है, तो मैं भी आपको कोई फर्जी डेट नहीं बताऊंगा। जैसे ही इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसीम खान जी का, और इन्होंने पूछा है कि सर जी कंपनी ने ऐसा क्यों किया है कि एक साल के बाद ही सेम प्लान 900 रुपये ही साथ में इंक्रीज कर दिया है। देखिए, 1024 से आप बात करें कि 1024 से प्लान इंक्रीज हो गया है, और जिसमें 18% जीएसटी लगने के बाद 1208 रुपये का हो जाता है। तो इसमें दोनों ही प्लान हैं, आप जिस प्लान के साथ जाना चाहे जा सकते हैं। कंपनी ने पहले से ही आपकी आईडी में ही बता रखा था कि प्लान जो आपकी आईडी एक्टिवेट हो रही है वो 1 ईयर्स के लिए हो रही है, 1 ईयर के बाद आपकी आईडी रीएक्टिवेशन में जाएगी, ये कंपनी का पहले से ही प्लान था। और ये रीएक्टिवेशन कितने का होगा ये कंपनी ने क्लियर नहीं किया था, तो वो कंपनी अपने प्लान जो डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से ही वो ज्वाइनिंग अमाउंट इंक्रीज किया है। और जो जो मेंबर्स भी 1024 से आईडी एक्टिवेट करते हैं उनको टीम की इनकम, सेल्फ इनकम, रिचार्ज इनकम, रीपर्चेज इनकम, ये सारी इनकम मिलती है। लेकिन अगर कोई मेंबर चाहता है कि वो सेल्फ करके ही इनकम लेना चाहता है तो उसके लिए 124 रुपये का ही प्लान वो ले सकता है। 124 रुपये में उसको सिर्फ सेल्फ की इनकम आएगी, एक्टिव और एक्टिव टास्क की यानी कि कैश मनी की और गिफ्ट पॉइंट की, ये दोनों सेल्फ की इनकम आएगी, आपको टीम इनकम, रीपर्चेज इनकम और रिचार्ज इनकम नहीं आएगी। तो दोनों में से कोई प्लान के साथ आप जा सकते हैं। टीम है तो आप 1024 के साथ जाइए, टीम नहीं है तो आप 124 के साथ जा सकते हैं। अगला आपका इनका ही क्वेश्चन है वसीम जी का ही, और इन्होंने पूछा है कि और सर शॉपिंग पोर्टल पे सिर्फ 32 प्रोडक्ट बचे हैं, न्यू प्रोडक्ट कब कब तक आएंगे?
देखिए, आपने भी हो सकता हो कि वीडियो देखा गया होगा जिसमें कंपनी के एक लीडर हैं, उन्होंने कंपनी के हेड ऑफिस में जाके, वहाँ पे गोडाउन में जाके उन्होंने वीडियो शूट किया था। उसमें दिखाया था कि कंपनी के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो उसका फ़ोटो सेशन हो रहा है। फ़ोटो सेशन होने के बाद उसकी डिटेल का वहाँ पे ऐड कर दी जाएगी, और ऐड करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको शो करने लगेंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो जल्द ही ऐड होने वाला है, कोई फिक्स डेट मैं आपको फ़िलहाल में तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 10 तारीख को ऐड होने वाला था, 10 तारीख को ऐड ना हो गए, अभी कुछ टाइम निकल गया है। तो जैसे ही अपडेट होगा, हमारे चैनल पे भी आपको पोस्ट के थ्रू अपडेट मिल जाएगी, और कुछ समय बाद वीडियो भी आ जाएगा। वैसे आप अपनी आईडी में भी चेक करते रहिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और इन्होंने ये क्वेश्चन है ऑनलाइन इनकम RSGO 24। इनका ये क्वेश्चन है, सर अगर न्यू वर्जन से टास्क कोई नहीं कर पा रहा है, एमडी सर से बोलिए ओल्ड वर्जन ही रहने दें, नहीं पूरी टीम टूट जाएगी, नहीं तो पूरी टीम टूट जाएगी। और इसी इन्हीं का रिप्लाई दिया है देवशीष मंडल ने, और इन्होंने पूछा है, इन्होंने भी कहा है कि मेरे 80% टीम टूट गई है। और राहुल कुमार ने भी रिप्लाई में इनको दिया है, सर ओल्ड वर्जन टास्क इज़ बेस्ट। और इसी से रिलेटेड और भी कुछ कमेंट है, मैं कमेंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद पूरी एक ही बार में सबका आंसर देता हूँ। और देवाशीष मंडल का भी है कि सर RSGO 24 में टोटल 4 एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। नहीं सर जी, 4 एप्लीकेशन, हाँ 4 एप्लीकेशन हो जाएंगे, क्योंकि आपका लॉगिन वाला भी एप्लीकेशन है, इसलिए ज़्यादा यूज़र को बहुत दिक्कत हो रही है। प्लीज़ एमडी सर को ये बात ज़रूर बोलिए, जो न्यू यूज़र होता है सिर्फ रिचार्ज के लिए टास्क कंप्लीट करता है, इन सभी यूज़र को रहने के लिए 4 एप्लीकेशन डाउनलोड करने से सिर्फ 6 रुपये देने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन को, मेरे आईडी एक्टिवेट करके वी वर्क करते हैं सभी यूज़र, मेरा 200 एक्टिव मेंबर है, लेकिन डेली यूज़र कम ही टास्क पूरा करते हैं, आज सिर्फ 30 लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, और वसीम खान ने भी क्वेश्चन किया है, मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे लोग थे जो टास्क कंप्लीट करते थे, बट अभी वो भी टास्क कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस आए आए गए, इसलिए इस वजह से किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। और राहुल कुमार जी का है, सर ओल्ड वर्जन ही रहने चाहिए, कोई भी नया वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देवाशीष मंडल राइट। और तो न्यू वर्जन टास्क को लेके कई लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं, और जो कमेंट्स हमने आपको पढ़ के बताए हैं, तो कई लोगों के डाउनलाइन से ये शिकायतें आ रही हैं, तो उन लोगों ने ही अपनी शिकायतें यहाँ पे रखी हैं, और उम्मीद है कि एमडी सर भी देखेंगे। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जो हैं एडवर्टाइजमेंट बेस्ड प्लान में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट बेस पे है, और जो भी कंपनी, जो भी एडवर्टाइज़र है, वो हमारी इस RSGO 24 की कंपनी को जो एडवर्टाइज़ करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करने के लिए वो देता है, तो वहाँ पे मान लीजिए वो देता है और उसके साथ पैसे भी देता है, तो उनकी बहुत सारी कंडीशन भी होती हैं, जिसमें कई सारी कंडीशन तो वहीं पे लागू हो जाती हैं, और कई सारी कंडीशन पूरी करने के लिए कंपनी को अपडेट लाने ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखिए, और सभी आप सभी की टीम टूटने की वजह ये है कि आप सभी ने अपने डाउनलाइन को यही सिखाया है कि आप यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको टीम बनाने में मदद करिए, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कराने की कोशिश करिए, तब वो आपके साथ जुड़े रहेंगे,
लेकिन जब आप सिर्फ रिचार्ज करने के लिए किसी को यहाँ पे लाएंगे तो वो घबरा के छोड़ के जाएगा ही, वो तो क्लियर है, क्योंकि सेल्फ करने वाला इतना ज़्यादा झंझट नहीं पालता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं उनसे टीम बनवाइए, और उनके साथ जो जुड़ रहे हैं उनसे भी टीम बनाइए, क्योंकि टीम से ही ज़्यादा इनकम आने वाली है। तो जब इनकम ज़्यादा आएगी, लोगों की इनकम बनेगी, तो वो जो अपडेट्स होंगे उसके लिए वो तैयार रहेंगे, क्योंकि अपडेट्स होने भी ज़रूरी हैं। अगर अपडेट्स नहीं होंगे तो आज नहीं कल हम सभी की इनकम बंद हो जाएगी, कंपनी की इनकम बंद होगी तो हम लोगों की भी इनकम बंद हो जाएगी। तो ये सारी प्लानिंग MD सर ने करके रखी है, उसी प्लानिंग के तहत प्लान चल रहा है। तो जो भी एडवर्टाइज़र होता है, जो भी ऐड देने वाला है, वो ऐड देता है तो उसकी कंडीशन होती है, उसी कंडीशन के ऊपर कंपनी को काम करना होता है। अगर कंपनी उस कंडीशन को पूरा नहीं करती है तो एडवर्टाइज़र पैसा नहीं देता है, एडवर्टाइज़र पैसा काट लेता है। क्या हो कि अगर आपसे कंपनी 1 महीने काम कराने के बाद कहे आपसे कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि एडवर्टाइज़र से हमें पैसा नहीं मिलता है, बनिस्बत ये हो कि कंपनी वो एडवर्टाइज़र की तरफ से जो भी कंडीशन रखी गई है उस कंडीशन को पूरा करे। तो कंडीशन जब वो कंपनी हमारी ये कंपनी पूरा करेगी तो एडवर्टाइज़र से 100% पैसा मिलेगा ही। तो इस चीज़ को आप सभी को ध्यान में रखना होगा, और सभी अपने यूज़र को ये बात समझानी होगी, और उन लोगों को बड़े बड़े मन से काम करने के लिए बोलना पड़ेगा। अगर वो छोटे मन से काम करेंगे, कम इनकम के लिए काम करेंगे, तो वो आज चले जा रहे, आज जा आज आ, आज नहीं कल, आज अगर वो आज नहीं जा रहे हैं तो कल तो वो जाएंगे ही। तो क्योंकि जो भी सिर्फ रिचार्ज करने के लिए काम करेगा तो वो उसकी उतनी इनकम होगी नहीं, और उसको वो कहीं ना कहीं ठगा महसूस करेगा। तो उनको ठगा, वो ठगा अपने आप को ना महसूस करें, इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आपके साथ जो भी जुड़ रहा है उसके साथ भी लोग जुड़ें, उसकी टीम बने, वो टीम के साथ इनकम करें। तो आपको ये कोशिश करनी है, आपको अपनी डाउनलाइन से बात करनी होगी, तो ही आप इस प्लान को आगे लेके चल सकते हैं, वरना किसी दिन आप भी यहाँ से क्विट कर जाएंगे। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोनू कुमार जी का, और इन्होंने ये पूछा है कि 30 अगस्त को प्रोडक्ट ऑर्डर किया था सर जी, अभी तक नहीं आया, इतना लेट क्यों हो रहा है? और एक बात, कंपनी का कस्टमर केयर जल्दी नहीं लगता है, अभी बंद आ रहा है, पहले कॉल करते थे तो लग जाता था, बात भी हो जाती थी, लेकिन अभी को क्या रीज़न है कि कंपनी का कस्टमर केयर बंद आ रहा है? प्लीज़ टेल मी सर। देखिए सर जी, अगर आपने 30 अगस्त को प्रोडक्ट बाय किया है तो अभी तक प्रोडक्ट आपका आ जाना चाहिए था। आप कस्टमर केयर में कॉल करके देख लीजिए, हो सकता हो कि आपकी आईडी में शो कर रहा हो ट्रैकिंग आईडी, या भी हो, ये भी हो सकता है कि आपके एड्रेस पे आके प्रोडक्ट रिटर्न चला गया हो, आपका एड्रेस नहीं मिला हो पोस्टमैन को, और आपका नंबर हो सकता हो कि जब पोस्टमैन ने कॉल किया हो आपने फ़ोन उठाया ही ना हो। तो आप कंपनी के कस्टमर केयर से कॉल करके बात कर लीजिए, अभी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर चालू हो चुका है, 11 बजे से 3 बजे के बीच में कॉल करिएगा, और बिज़ी जाएगा ही, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूज़र ज़्यादा हैं तो कोई ना कोई कॉल पे लगा ही रहता है। तो आप वेट करके वहाँ पे कॉल करके बात करिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, वो लोग बता भी देंगे कि क्यों आपका प्रोडक्ट अभी तक इतना लेट हो रहा है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है गुलशन कुमार का, RSJio24 में पासवर्ड कहाँ से चेंज होगा? RSJio24 में पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको RSJio24 गो टू टास्क पे क्लिक करना होगा। गो टू टास्क पे क्लिक करेंगे तो वो आपको गूगल क्रोम में ओपन कर देगा, वहाँ पे आपको RSJio24 जहाँ पे लिखा हुआ है उसके राइट साइड में आपको 3 लाइन मिलेगी, 3 लाइन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे मेनू ओपन होगा, मेनू में आपको एक ऑप्शन होगा प्रोफाइल डिटेल का, प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करिएगा,
तो वहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। अगर आपका पासवर्ड चेंज नहीं होता है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर आपका उसके बावजूद भी पासवर्ड चेंज नहीं हो पाता है तो आप फिर से दोबारा इस वीडियो पे आप कमेंट करिएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पासवर्ड चेंज करके भी दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है दिनेश महवर का और इन्होंने ये पूछा है कि सर नया प्रोडक्ट कब तक ऐड हो जाएगा। देखिए नया प्रोडक्ट जल्दी ऐड होता होने वाला ही है क्योंकि कंपनी के गोडाउन में प्रोडक्ट आ चुके हैं, कंपनी अब उसकी लिस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी उसको बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उनको लिस्ट करने में, उनकी फ़ोटो खींचने में, उनकी डिटेल लिखने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो जैसे ही वो सब काम पूरा हो जाता है तो वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होगा तो हमारे चैनल पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा और आईडी आप चेक करते रहेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थे संडे कमेंट पोस्ट पे आने वाले ये सारे क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।